बारहवीं रात। एक समय की बात है, गहरे नीले आकाश के तले एक जहाज चमकीले सागर से गुजर रहा था, जिसमें जुड़वा थे वॉयलेट और सेबेस्टियन। वो छुट्टियां मनाकर तरोताजा होकर वापस लौट रहे थे। मुझे घर नहीं जाना है वॉयलेट। वी कहाँ खो गई हो? अरे आगे से हटो। हाँ, वॉयलेट की नजरें समुद्र के उस पार इलीरिया राज्य पर थी, जो ठीक उस तरफ था। तुम्हें उस छोटी सी धरती के टुकड़े पर इतनी दिलचस्पी क्यों है? मुझे इलीरिया के राजा और सीनों में दिलचस्पी है। वो बहुत अच्छे हैं और सुंदर भी। वो तूफान में एक फूल की तरह हैं। इसका कोई मतलब भी है क्या? तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए माफी चाहूंगा, पर ऑर्सिनो किसी काउंटेस से प्यार करता है, ओलिव नाम की। ये तुमसे किसने कहा? ये बस एक अफवाह है। ओह, फिर ठीक है। ऑर्सिनो, काश मैं तुमसे मिल सकती। काश ये छुट्टी थोड़ी लंबी और शांतिमय होती। कहते हैं कि चीजों को सोच समझ कर मांगा जाता है। कुछ ही मिनटों में एक भयंकर तूफान शुरू हुआ। सभी ने जहाज को नियंत्रित करने की कोशिश की, पर तेज लहरों की लपटों से जहाज बर्बाद हो गया। आह, क्या? कहाँ? हाय। क्या हुआ? तूफान ने हमें किनारे पर बहा दिया। मुझे लगता है ये इलीरिया है। इलीरिया? और सीनो? वाह, तुम तो बहुत खुश हो गई। असल में ये काम कर सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि तुम और सीनो को लुभा लेना और मेरे लिए ये एक लंबी छुट्टी हो जाएगी अकेले। ओह, आज नहीं तो कल पिताजी हमें ढूंढने के लिए जहाज जरूर भेजेंगे। तब तक चलो काम पर लगते हैं। हाँ। और इस तरह वो अलग अलग रास्ते पर चले गए और जल्दी ही सेबेस्टियन अपनी जिंदगी के मजे लेने लगा। वॉयलेट को थोड़ी परेशानी हुई। अपने राजा को खबर दो कि मैं एम्ब्रोस राज्य की राजकुमारी वॉयलेट उनसे मिलना चाहती हूँ। पहरेदार उसकी तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगे। राजकुमारी और इन कपड़ों में? वॉयलेट शर्म के मारे पानी पानी हो गई। बदतमीज, अरे यहाँ मुझे कोई नहीं जानता, राजा भी नहीं, मैं उनसे कैसे मिलूं? सुनिए जरा, मैं राजा के शाही दूत के पद के लिए आया हूँ। मुझे पता है मुझे क्या करना है। उसने कुछ कपड़े और नकली बाल खरीदे। थोड़ा बहुत मेकअप लगाकर वो तैयार हुई। मैं सेबेस्टियन लग रही हूँ। शाही दूत के लिए? हाँ, अब मैं क्या करूँ? क्या मैं ऑर्सिनो? एक मिनट, क्या मैं उनसे इस तरह मिलने जाऊंगी? वॉयलेट ने पहले से कुछ नहीं सोचा था, पर जब उसकी बारी आई, राजा उससे खुश हुआ। तुम्हारा नाम क्या है? वायो सिसारियो। ठीक है सिसारियो, तुम मेरे नए शाही दूत हो, आओ मेरे साथ। वॉयलेट दिल से खुश हुई, उसके पास रहकर उसे अच्छा लगा। अब मैं इन्हें सच्चाई कैसे बताऊं? और सीनो ने उसे एक चिट्ठी दी। तुम्हारा पहला काम, प्लीज ये चिट्ठी काउंटेस ओलिव को दे देना। काउंटेस ओलिव? और सीनो किसी काउंटेस से प्यार करता है, ओलिव नाम की। जल्दी वापस लौटना। वॉयलेट उसके आदेश का पालन करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। वो गुस्से में निकली और काउंटेस के घर पहुंची। पीछे हटो। हैया। क्या आप ठीक हैं? मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है? सिसारियो।
अच्छा, मैं ऑलिव हूँ। वॉयलेट हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। हिचकिचाते हुए उसने उसे चिट्ठी दी। मैं यहाँ राजा ऑर्सिनो की चिट्ठी देने आया हूँ। एक और प्रेम पत्र। उसे समझ क्यों नहीं आता कि मैं उसे पसंद नहीं करती। वो बहुत ही चिपकू है। तुम उन्हें पसंद नहीं करती? नहीं, पर मुझे तुम पसंद आए। हाँ? ऑलिव ने उसे गले लगाने की कोशिश की, पर किसी तरह वॉयलेट वहाँ से भाग गई। और सीनो बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। तो मुझे तो वो बहुत ही दिलचस्प लड़की लगी। हाँ, वो तूफान में एक फूल की तरह है। सच में कितने प्यारे शब्द हैं। उसने कुछ कहा? नहीं। हाँ, पता था। शायद तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। और ज्यादा कोशिश? हाँ, अब मैं यही करूँगा। वॉयलेट को हर रोज ऑलिव के घर भेजा जाता और वो उसे अच्छे से जानने लगी थी। काउंटेस, मैं सिज़ेरियो, तुम कितने सुंदर लग रहे हो। ओह, शुक्रिया। ये चिट्ठी? इसे छोड़ो। आओ, मैं तुम्हें अपने सफर के बारे में बताती हूँ। तुम्हें सफर करना पसंद है? कुछ खास नहीं, मुझे वापस जाना। आओ चाय पियो। ऑलिव की रुचि वॉयलेट में, या कह लीजिए कि सिज़ेरियो में बढ़ने लगी, क्योंकि उसका पालन पोषण अच्छे से हुआ था और वो एक ध्यान रखने वाली राजकुमारी थी। लेकिन जितना ज्यादा वॉयलेट ऑलिव को जानने लगी थी, उसे लगने लगा कि ऑर्सिनो ऑलिव के लिए सही नहीं है। ऑलिव को घूमना फिरना पसंद है, जबकि ऑर्सिनो को आग के पास बैठकर किताब पढ़ना। उसे अकेले रहना पसंद है, बिल्कुल मेरी तरह। वॉयलेट ने फैसला किया कि वो इसके बारे में ऑर्सिनो को बताएगी, इस उम्मीद में कि वो ऑलिव को भूल जाएगा। पर मुझे भी सफर करना पसंद है। नहीं, आपको नहीं है मेरे महाराज। हाँ, नहीं, मुझे नहीं है, लेकिन सच्चे प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऑर्सिनो ने बहुत चिट्ठियाँ लिखी ये जताते हुए कि उसे सफर करना बहुत पसंद है। ये झूठ क्यों बोल रहा है? ओह, चलो सिज़ेरियो, मेरी मुक्केबाजी देखो। मुझे नहीं देखनी। ऑलिव अक्सर वॉयलेट को अपने शौक में शामिल करती। उसे स्पोर्ट्स में बड़ी दिलचस्पी थी और अक्सर वॉयलेट वहाँ से भागने की कोशिश करती। अरे हाँ, ये बिल्कुल सेबेस्टियन की तरह है। उन दोनों की अच्छी जमेगी। उस शाम ऑर्सिनो ने सिज़ेरियो को बात करने के लिए बुलाया। सिज़ेरियो, ऑलिव मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? मेरे महाराज, काउंटेस को हंसी मजाक वाली चीजें बहुत पसंद है, जबकि आपको रोमांटिक नाटक देखना। तो उन्हें तलवारबाजी और यात्रा पसंद है। आप सूर्यास्त का आनंद लेते हुए लंबी सैर करना पसंद करते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जिस इंसान को आप नहीं समझते, उनसे रिश्ता कैसे निभाओगे? बदकिस्मती से जब आप किसी से प्यार करते हैं तो दिल को समझना इतना आसान नहीं होता। मैं समझ सकता हूँ। काश प्यार खाने की तरह होता, जितना ज्यादा खाओ उतना ज्यादा बीमार हो जाओ। संगीतकारों की मधुर धुनें बाहर से उनके कमरे में आ रही थी। ये ऑलिव की मन पसंद धुन है। अगर संगीत से दिल जीत सकते थे तो क्या बात होती। शायद मुझे उस धुन से नफरत होने लगेगी और मैं उसे भूल जाऊंगा। ये अच्छा है ना? आग के पास बैठना, हाथ में किताब लिए संगीत सुनना, मुझे बेहद पसंद है। हाँ, मुझे भी पसंद है। हम दोनों की खूब जमेगी। और सीना और वॉयलेट के बीच दोस्ती होने लगी। कभी कभी वो एक साथ सैर करने निकल जाते और कभी कभी वो आग के पास बैठकर अपने पसंदीदा लेखक के बारे में बात करते। पर वॉयलेट के मन में डर था कि वो उसे धोखा दे रही है। एक दिन ऑर्सिनो ने एक पार्टी रखने का फैसला किया और ऑलिव को भी न्योता भेजा। मैं उम्मीद नहीं कर रहा, पर उसे जरूर देना। और सिज़ेरियो, कल तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वॉयलेट खुशी के मारे नाचना चाहती थी, क्योंकि अब वो खुद पार्टी में आ सकती है। मुझे अपने लिए अच्छे से कपड़े खरीदने होंगे। उसने ऑलिव को न्योता भेजा। क्या तुम वहाँ रहोगे? मैं नहीं रहूंगा। तो फिर मेरा आने का मन नहीं है। हाँ, चलो कहीं बाहर चलते हैं। नहीं, अगर ऑलिव नहीं आएगी
तो ऑर्सिनो को मुझसे प्यार करने का यही एक मौका है। ओह, ऑर्सिनो। सिज़ारियो, तुम शर्मा रहे हो। क्या इसकी वजह मैं हूँ? उसके बाद वॉयलेट महल पहुंची। मैं थक गया। ओ मेरे, मेरे महाराज। ओ सिज़ारियो, क्या वो? ठीक है, खैर कम से कम तुम तो वहाँ रहोगे। पर आपने कहा मुझे कल काम करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, पार्टी में आओ और मजे करो। मैं चाहता हूँ कल तुम आओ। ये चाहते हैं कि मैं पार्टी में सिज़ारियो बनकर आऊँ? कुछ तो करना पड़ेगा। और पार्टी वाले दिन वॉयलेट सिज़ारियो बनकर आई। मेरे महाराज, मैं आ गया। अरे तुम? मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, माफ कीजिएगा। जल्दी जल्दी में वॉयलेट ऑर्सिनो को अकेला छोड़कर चली गई। लेकिन कुछ देर बाद, अरे, ऑर्सिनो की आंखें खुली की खुली रह गई। हेलो, क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? अरे नहीं, मैं आपसे कभी नहीं मिली। मैं वॉयलेट हूँ मेरे महाराज। मैं ऑर्सिनो, राजा ऑर्सी। मुझे अपने दोस्त से सारियों को ढूंढना है। हाँ? मैं अभी वापस आया। रुको, नहीं, सिज़ारियो का इसमें क्या काम? जब ऑर्सिनो बेचैन होकर सिज़ारियो को ढूंढ रहा था, वॉयलेट ने तुरंत कपड़े बदले। सिज़ारियो! मैं आ गया। तुम कहाँ थे? मैं अभी एक सुंदर लड़की से मिला और उससे बात नहीं कर पाया। शांति से काम लीजिए। नहीं हो सकता, आओ, वो यही है। आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे ही हूँ। और इस तरह वॉयलेट भेष बदलने के चक्कर में यहाँ वहाँ भटकती रही और बेचारे ऑर्सिनो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ ऑलिव ने पार्टी में जाने का फैसला किया। मुझे महाराज को साफ साफ बताना होगा कि मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वो किसी से टकराई और ये सेबेस्टियन था। सिज़ारियो? नहीं, माफ कीजिएगा। नहीं रुको, सिज़ारियो! अरे यार, कोई बचा लो। सिज़ारियो रुको। देखिए मैडम, मैं वो नहीं हूँ जो हाँ? वो दोनों अब असली वाले सिज़ारियो से टकराए। मेरे और भी जुड़वा हैं। सेबेस्टियन? क्या? वॉयलेट? 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 और इस तरह सच्चाई सामने आई। वॉयलेट ने अपने नकली बाल उतारे और बाकी सब उसकी बात सुन रहे थे। तो सिज़ारियो कभी था ही नहीं। अच्छा सुनिए महाराज, मुझे आप में दिलचस्पी नहीं है, तो प्लीज मुझे चिट्ठी लिखना बंद कीजिए। वाह, इतनी मुफ़्त, सही है। तुम अब भी एक झूठी हो। जानती हूँ जो किया वो गलत था, मुझे माफ करो मेरे महाराज। ऑर्सिनो बहुत दुखी और अनिश्चित था। ऑलिव ने ये देखा। ओह, इसे एक और मौका दे दो। हाँ, इसने हमसे असलियत छुपाई है, पर फिर भी जो भी हो ये एक अच्छी इंसान है। ऑलिव, सच कहा। ठीक है, तुम दिल से शर्मिंदा हो इसलिए माफ करता हूँ। अब चलो अपने बारे में सब कुछ सच बताओ। हाँ, पर अब कोई झूठ नहीं, ठीक है? ठीक है, शुक्रिया। वॉयलेट के पास अब छुपाने के लिए कुछ नहीं था और जैसे जैसे ऑर्सिनो उसे अच्छे से जानने लगा, उसे उससे प्यार होने लगा। एक दिन अचानक एम्ब्रोस का राजा इलीरिया आया। उसे खबर मिली थी कि उसके दोनों बच्चे वहाँ पर हैं। पिताजी! मुझे लगा तुम खो गई हो। सेबेस्टियन कहाँ है? मैं यहाँ हूँ पिताजी। हर कोई ऑलिव और सेबेस्टियन को देखकर हैरान हुआ, जो कि हाथों में हाथ डाले आ रहे थे। मुझे एक लंबी छुट्टी मिली और साथ में कोई खास भी मिल गया। हाँ, किस्मत की बात है। ये सब कब हुआ? ये सब कैसे हुआ? मैं अपने दो बच्चों को बचाने आया, लेकिन तुम लोग तो सही सलामत हो। हम आपको पूरी कहानी बताना चाहते हैं।
वैसे बहुत ही अजीब कहानी है। हाँ, सच कहा। कभी कभी बुरे हालात हमें वो दे देते हैं जो हमें चाहिए, पर अगर हम सच्चे रहेंगे तो जिसकी हमें जरूरत होती है वो हमें मिलता है।